Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your chapter number 9, The Making of the National Movement, 1870s से लेके 1947 तक. ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत करी गई है. महात्मा गांधी अभी मास लीडर माने जा रहे थे, लेकिन वो बहुत पहले से ही एक रिनाउंड लीडर थे इंटरनेशनली की बात, मतलब इंटरनेशनली बात कर रही हूं मैं. साउथ अफ्रीका में उन्होंने पढ़ाई करी है, साथ ही साथ वो वहां लॉयर भी रह चुके हैं. ठीक है, सो वहां पे भी काफी ज्यादा कैंपेन्स उन्होंने करे थे. साथ ही साथ जब वो इंडिया में आए, ठीक है, इंडिया में आने के बाद उन्होंने थोड़े बहुत लोकल मूवमेंट्स होते हैं उनमें दखल दिया, यानी कि उनमें थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेशन दिया, और उसके बाद उनको मास लीडर माना जाने लगा. ठीक है, जिन्होंने चिंगारी दी थी, जिन्होंने इस स्वतंत्रता की चिंगारी दी थी, वो यही रहे हैं. इन्होंने आगे तक बहुत ज्यादा अपना बेस्ट दिया है और सारे लोगों को स्वतंत्रता हासिल कराने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है. ठीक है, सो महात्मा गांधी वॉज ऑलरेडी अ रेनाउंड लीडर इन साउथ अफ्रीका, मैंने जैसे आपको बता दिया है. ठीक है, नोन बाय गुजराती, तमिल, हिंदू, पारसी, भाई इनके बहुत ज्यादा चाहने वाले थे, स्टूडेंट्स रह चुके हैं और वर्कर्स थे, तमिलियन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम, जितने भी लोग थे उनको काफी ज्यादा मानते थे. ठीक है, तो एक साल तक गांधी जी ट्रैवल करे थे पूरे इंडिया में जानने के लिए कि कहाँ कहाँ पर कितनी दिक्कत है और इंडिया एक्चुअली दिखता कैसा है, क्योंकि इंडियन तो थे लेकिन ये साउथ अफ्रीका में रहते थे. अचानक से इंडिया आए थे तो पूरा इंडिया का एक दर्शन करना चाहते थे. सो इन्होंने अपनी अपनी बीवी के साथ पूरा का पूरा इंडिया ट्रैवल करा था. ठीक है, 46 की एज थी इनकी. ठीक है, सो ट्रैवल्ड इंडिया फॉर 1 ईयर. ठीक है, एंड पार्टिसिपेटेड इन चंपारण खेदा मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1918 एंड मेट राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल. सो 1918 में इन्होंने एक छोटा सा मिल वर्कर स्ट्राइक करा था. मिल वर्कर्स जो थे उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, उनके ऊपर स्ट्राइक करा था कि इस दिक्कत से उनको हटाया जाए. तो और खेदा, खेदा में भी, खेदा चंपारण ले लीजिए और बरोड़ा में, भाई बहुत जगह पे उन्होंने अपने मूवमेंट्स को चलाया है एंड वहां से काफी ज्यादा लोग में ये प्रचलित हो गए थे, भाई बहुत ज्यादा एक लीडर माने जा रहे थे. ठीक है, एक साल तक इन्होंने पूरे इंडिया का दर्शन भी करा था. सो आपको महात्मा गांधी के बारे में पता चल गया कि वो पहले से ही इंडिया में आकर वो मास लीडर नहीं बने हैं, बहुत पहले से ही वो एक लीडर रह चुके हैं. इंटरनेशनली भी वो हर मुद्दे पे लड़े हैं. ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन टेक केयर.